हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट खबरी, इंडिया फर्स्ट स्टूडेंट न्यूज़ चैनल। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आप कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, तो उसी में आज का हमारा वीडियो है करियर एज अ बिजनेस एनालिटिक्स। होता क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक करियर एज अ बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे पहली चीज़ होता क्या है, इतना सारा जो डेटा है जिसको हम कहते हैं मिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा, जिसको हम बिग डेटा भी कहते हैं, उनका एनालिसिस करना इज कॉल्ड बिजनेस एनालिटिक्स। बिकॉज अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी भी फर्म की बात करें, तो जो डेटा उनके पास आ रहा है, लाइक वो कस्टमर का हो सकता है, वो सेल्स का हो सकता है, वो प्रोडक्ट का हो सकता है, डेटा किसी भी चीज़ का होता है, उसको एनालाइज करके उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है बिजनेस एनालिटिक्स में। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि बिजनेस एनालिटिक्स शुद्ध और देसी भाषा में होता क्या है, डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए यूज़ करना सो दैट हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें और एक्सपेंड कर सकें। सो अब दूसरी चीज़ आती है कि लाइक अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाते हो, एज अ स्ट्रीम चूज़ करते हो, तो उसमें आपको करना क्या पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ आई टॉक अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, तो आपको ट्रांसलेट करना होता है नंबर्स को डेटा में, जिसका मतलब होता है जो कि हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अब लाइक फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस एनालिटिक्स डेटा कलेक्ट करता है, सेल्स फिगर हो सकते हैं, वो मार्केट रिसर्च हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं, और उनको एनालाइज करके एक वर्किंग फॉर्मेट में बनाता है कि हम वो कंपनी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब लाइक बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स में चार स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर चार एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला एनालिसिस होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग चैलेंजिंग नीड्स ऑफ अ कंपनी। सेकेंड, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड मार्केट अप्रोचेस। थर्ड, प्रोसेस डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग वर्क फ्लो। सो ये तीन से चार मेन टाइप्स होते हैं बिजनेस एनालिसिस के, जिसमें से फोर्थ पॉइंट होता है सिस्टम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द IT डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स कम टू कि हमें लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की प्रोफाइल के लिए जाना चाह रहा हूँ तो मुझे स्किल्स क्या क्या लाइक रिक्वायर्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स, बिजनेस एनालिसिस स्किल्स, इंडस्ट्री एंड डोमेन एक्सपर्टाइज। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगी अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आप इसके अंदर कैसे जा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की या फिर कोर्सेज की, तो जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आज सच कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स नहीं है जो आपको बिजनेस एनालिसिस सिखाए। तो आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन में अपनी एक्सपर्टाइज बनाना चाहते हैं। एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिसाब से, ये मोस्ट इमर्जिंग करियर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द रिव्यू गिवन बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आप लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जो ग्रेजुएशन, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यू शुड हैव अ मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री, जिसमें आपको यू नो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग इन ग्रेजुएशन, ये कुछ चीज़ें हैं कुछ जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़नी होंगी अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन चाहते हो। कुछ अगर हम बी स्कूल्स की बात करें तो वो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें उन्हें मिनिमम 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कैंडिडेट को, और उसके बाद भी वो फर्दर GDN PI लेते हैं सो दैट दे कैन क्रॉस चेक कि आपके अंदर क्या वो सर्टन स्किल्स हैं जो एज अ बिजनेस एनालिटिक्स रिक्वायर्ड है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप उसके लिए कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस PGDM प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जो CAT, CMAT और GMAT के थ्रू इनरोल करते हैं उन इंस्टीट्यूट्स के लिए। और अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल उन कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं जो इनमें आते हैं, जो बिजनेस एनालिटिक्स में कोर्स कराते हैं, उनमें से सबसे पहला इंस्टीट्यूट है IIM बैंगलोर, देन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, देन ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, SP Jain ग्लोबल बिजनेस स्कूल मुंबई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट MISB बकोनी मुंबई। So these were the few very good institutions for the profile of business analytics. Now let comes to like career opportunities क्या है, job opportunities क्या है, salary packages क्या रहेंगे। तो अगर मैं business analytics की बात करूँ तो ये highest
paid salary profile in the field of management. Matlab, if I talk about doing MBA, ये बहुत common हो गया है. हर student, you know, graduation के बाद, engineering के बाद, BSc के बाद, BCA के बाद MBA कर ले. तो अगर मैं career opportunities की बात करूँ तो you know, like MBA आजकल बहुत common हो गया है. हर student, you know, BSc के बाद, BCA के बाद, engineering के बाद, you know, MBA opt करता है. So जैसे मैंने आपको बताया कि Harvard Business के हिसाब से ये highest paying जॉब करियर ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं. जितनी भी टॉप रिक्रूटिंग कंसल्टेंसीज हैं वो इस प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं. और अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं बिग नेम की बात करूँ तो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज भी बिजनेस एनालिटिक्स जैसी प्रोफाइल को हायर करती हैं. अब एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस प्रोफेशन में जाता हूँ तो मेरी एवरेज सैलरी और हाइस्ट सैलरी कितनी होगी. तो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ एज अ बिजनेस एनालिटिक्स, तो वो 7 to 8 lakh रुपीज से स्टार्ट होती है एक बिजनेस एनालिटिक्स की सैलरी, जो कि 25 से 30 लाख रुपए जाती है अगर आपके पास उस इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है तो. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जानने के लिए कि लाइक फॉर एग्जांपल, इस प्रोफाइल में आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं जिनको 25 से 30 लाख रुपए मिलते हैं, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आईटी कंसल्टिंग, क्लाइंट इंट्रैक्शन एंड प्री सेल्स. ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे डोमेन्स हैं जिसमें उनको काम करना पड़ता है. देन अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं बात करूँ प्रॉज एंड कॉन्स की इस करियर में, तो प्रॉज की बात ये है कि वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, आप नए चैलेंजेस को रेगुलर बेसिस पर मीट करते हो, नेटवर्किंग के लिए आपको बहुत यू नो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप नए स्किल्स और नए चैलेंजेस आपके लाइफ में यू नो डेली बेसिस पे आते हैं, और आप ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर मैनेजमेंट प्रोफाइल्स आप ज़्यादा अर्न करते हो. अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, यू यूजुअली डू नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट और बेनिफिट सच एज हेल्थ केयर और एम्प्लॉयज शेयर्स. इफ योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेज चेंजेस, देयर इज लॉस इन योर फैमिली और इन इलनेस, यू आर नॉट पेड फॉर टाइम फ्रॉम वर्क, हैंस अ पोटेंशियल लॉस इज सिग्निफिकेंट इनकम and opportunities to attend formal trainings, conferences, workshops unless you pay for it out of your money. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि हम आगे और कौन कौन सी वीडियोज़ किन किन करियर ऑप्शन पर हमें बनानी चाहिए. सो वील मेक श्योर कि हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करें.